हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हमारे पास जो गाड़ी है वो है मारुति सुजुकी अर्टिगा। ये नॉर्मल अर्टिगा नहीं है, ये है 1.5 लीटर डीजल वेरिएंट, जो बहुत लिमिटेड एडिशन है। 2018 में लॉन्च हुई थी और 2020 तक ये गाड़ी आई थी, क्योंकि उसके बाद BS6 के होने की वजह से मारुति ने 1.5 लीटर और 1.2 लीटर डीजल इंजन बंद कर दिया था। इसमें आपको लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन और ये टिपिकली मारुति की जो चाबी होती है वैसे ही देखने के लिए मिलती है। आगे से अगर आप देखोगे तो आपको इसमें लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, जो है प्रोजेक्टर सेटअप, ये लो बीम के लिए है, और जो हेलोजन सेटअप है ये आपको हाई बीम के लिए मिल जाएगा। इंडिकेटर वही नॉर्मल हेलोजन बल्ब वाले मिलेंगे। यहाँ पर फॉग लैंप है भाई, सॉरी इस गाड़ी का टूटा हुआ था। जो डीआरएल इसमें लगी हुई है वो एक्सेसरीज में लगा रखी है भाई ने। जो गाड़ी है बहुत कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करवा रखा है, बहुत कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है। आगे से अगर आप इसकी ग्रिल देखने वाले हो तो ये नए मॉडल की ग्रिल है, जो भाई ने अलग से लगवा रखी थी। जो उसका बम्पर है वो नॉर्मली आपको नीचे ब्लैक कलर की लाइन मिल जाएगी, और ये इसका बम्पर कुछ ऐसे दिखता है। इस गाड़ी की विड्थ आपको 1735 mm की मिलने वाली है। वहीं पर अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जाके बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो आपको 4375 mm की मिल जाएगी, जो 4 मीटर से ज्यादा है। तो टायर साइज में आपको मिलने वाला है ये 185/65 R15 का जो टायर है वो मिलता है, और इसके अंदर जो टायर लगा हुआ है वो MRF का। जो उसमें टायर आते हैं यूजुअली ब्रिजस्टोन के ही आते हैं, मगर कुछ कुछ कंपनीज जो हैं, कुछ कुछ डीलर्स जो हैं, वो इसमें MRF के टायर भी देते हैं। हालांकि इसमें जो टायर हैं वो चेंज नहीं करवाए गए हैं। वहीं पर अगर हम गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलने वाला है 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि MUV के हिसाब से काफी है, आपको कहीं दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जो अर्टिगा है वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है, कमर्शियल यूज में देख लो या प्राइवेट यूज में देख लो, उसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये इनोवा से सस्ती पड़ती है, और बेस्ट बात इसकी ये है कि ये हर एक सेगमेंट में काम करती है। अगर मैं इसके बूट सेगमेंट की बात करूँ कि भाई थोड़ा इसके अंदर सामान रखा हुआ है, बट फिर भी आप देख सकते हो कि इसका जो बूट है वो काफी बड़ा है। इसके अंदर सीएनजी सिलेंडर नहीं होने की वजह से इसके अंदर काफी स्पेस जो है वो आ जाता है, यार आप आराम से जो है इसके अंदर बैठ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूं तो फ्यूल टैंक आपको 45 लीटर का इसके अंदर मिलने वाला है, जो आपको कंपनी क्लेम कर रही है इसकी जो एवरेज वो 24 किलोमीटर पर लीटर की बात करती है, मगर रियल टाइम पे इसकी एवरेज जो है 20.4-20.5 के आसपास आ रही है, जो इसके अंदर मेंशन है मीटर में भी। दरवाजे की अगर बात करूँ तो इसमें टैन कलर का जो आपको पैच देखने के लिए मिल रहा है, मॉडिफिकेशन का पार्ट है। जो गाड़ी है वो बेसिक है, यहाँ पर आपको दरवाजा खोल करने के लिए क्रोम का ये हैंडल जो है वो मिल जाएगा, लॉक अनलॉक के लिए ये, और पावर विंडो का ये ऑप्शन है। अगर मैं पानी की बोतल की बात करूँ तो 1 लीटर की पानी की बोतल इसमें आराम से आ जाएगी, और इसके अंदर स्पेस काफ़ी है। और अगर आपको पीछे वाली सीट पर जाना है तो पीछे वाली सीट पर जाने के लिए आपको यहाँ से इसको पीछे करना है, ऊपर करना है, और ये स्लाइड हो जाएगा, जिससे आप जो पैसेंजर्स हैं वो इसके अंदर घुस के पीछे वाली सीट पर जा सकते हैं। पीछे वाली सीट पर सामान होने की वजह से आई एम सॉरी बट मैं पीछे नहीं जा पाऊंगा, जल्दी से इसको कर लेते हैं पीछे। और ये जो सीट है ये रिक्लाइन भी हो जाती है, बस आपको ये जो हैंडल है इसको बस आपको पुल करना है, ये रिक्लाइन भी हो जाती है इससे, और ये स्लाइड भी हो जाएगी। इसमें आपको पीछे के लिए रियर आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा, इसके अंदर कप होल्डर्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। अर्टिगा की हाइट की अगर मैं बात करूँ तो आपको 1690 mm की इसकी हाइट मिल जाती है, और वहीं पर इसका जो व्हील बेस है वो आपको 2940 mm का व्हील बेस मिलता है। चलते हैं गाड़ी के अंदर और फिर हम बाकी बातें वहीं पे करेंगे। इसके अंदर जो आपको मीटर है वो नॉर्मल मिलने वाला है। गाड़ी के मीटर की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको उसका टैकोमीटर मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा। बीच में जो डिस्प्ले दे रखी है उसके अंदर आपको एवरेज, जो आपकी गाड़ी का फ्यूल है, अगर उसके अंदर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए वो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ से बटन दबाता हूँ तो रेंज, किलोमीटर पर लीटर, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। लेफ्ट वाला बटन दबाने से किलोमीटर कितना चले, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइम देखने के लिए मिल जाता है। जो बीच वाला एरिया है यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, अगर आप कौन सी थर्ड गियर फोर्थ गियर जो भी गियर में चला रहे हो यहाँ पर आपको इंडिकेट करता रहेगा। अगर आपने स्पीड जो है मेंटेन नहीं कर रखी है, अगर आपको स्पीड लो है और आपने गियर हाई लगा रखा है तो भी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा कि आपको गियर डाउन करने की जरूरत है या गियर हाई करने की जरूरत। और जो उसका जो स्टेयरिंग है उसके अंदर आप स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको मिल जाएगा, अगर आपको ऑडियो के लिए या म्यूजिक के लिए कुछ चेंज करना हो यहाँ से आ जाएगा, ब्लूटूथ के लिए या कॉल पिक करने के लिए, कॉल एंड करने के लिए, म्यूट करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, जो उसकी स्पेशल बात है वो इसका 6 गियर का गियर लीवर। इसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, प्लस एक रिवर्स गियर जो एक्स्ट्रा मिलता है। ट्विन कप होल्डर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, और ये आपको ठंडा करने के लिए अगर आपने कोई कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है या कोई पानी की बोतल रखी हुई है तो ये ठंडा भी रहता है। वहीं पे आपको इसका पावर सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट का यहाँ पर, और वहीं पे अगर आपको USB AUX लगाना है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
म्यूजिक सिस्टम इसका जो लगा हुआ है ये बाहर से है, ये कंपनी फिटेड नहीं आता है। कंपनी फिटेड जो होता है वो आपको वीडीआई वेरिएंट के अंदर बटन वाला मिलता है, जो अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, पर हाँ वो आपको टच स्क्रीन मिलेगा। इस सिस्टम के अंदर जो भाई ने मॉडिफिकेशन करवा रखा है, जो दूसरा लगवा रखा है, इसके अंदर भी आपको जीपीएस नेविगेशन सारी चीजें मिल जाती हैं। आयर ये मैं आपको ऑटो डिमिंग का नहीं मिलने वाला है, कि मैनुअल सेटअप के साथ आता है और ये आगे पीछे करने से ही चेंज होगा। जैसा मैं आपको बता रहा था, इसकी जो एवरेज है वो 20.4 किलोमीटर जो है पर लीटर वो दिखा रहा है मीटर के अंदर भी, अगर जैसे आप देख सकते हो वहीं पे। अगर मैं इसके पावर विंडो की बात करूं तो वही टिपिकली मारुति की तरह चार पावर विंडो मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और एक वन टच डाउन के ऑप्शन के साथ मिल जाता है। तो बाकी इसके लॉक अनलॉक विंडोज को लॉक करने का बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो सब मारुति की जैसे हैं, कोई डिफरेंट है नहीं इसके अंदर, बिल्कुल सेम टू सेम। बाकी बात हम गाड़ी चलाते हुए करेंगे, क्योंकि भाई 1.5 लीटर डीजल इंजन है, इसकी जो पावर है वही इसकी स्पेशलिटी है, वही इसके बात है। अब हम गाड़ी की बात करने वाले हैं कि ये आपको कितना जो है पिकअप है इसका, कितनी जल्दी ये 0 to 60 पहुंचती है, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने गाड़ी लगा दी साइड में, पहली गियर लगा दी है। ट्रैक्शन कंट्रोल का इसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, तो फर्स्ट गियर में लगा दो, गाड़ी का एसी कर दो ऑफ और रेस पे थोड़ा पैर देके और शुरू। भाई व्हील स्पिन तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया मार रही है, 1500 सीसी का जो डीजल इंजन कंपनी प्रोवाइड करती थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसके अंदर ये 95 bhp की आपको पावर देता है 4000 rpm पे, और 225 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क आपको मिलने वाला है वो 1500 rpm पे। इसके अंदर क्या है भाई, 1500 rpm जैसे ही क्रॉस करते हैं ना, गाड़ी हो जाती है रॉकेट, इतनी बढ़िया चलती है, इतनी स्पीड में भागती है गाड़ी कि आपको मजा आ जाएगा गाड़ी चलाने में। जो सीएनजी वेरिएंट है भाई वो तो ये है कि भाई कॉमर्शियल पर्पस के लिए अगर जो लोग यूज कर रहे हैं वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए बहुत सही है, मगर आपको बहुत मजा आता है, ड्राइविंग एंथुसियास्ट है आप, तो आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन जो है वो जरूर चलाना चाहिए। सॉरी भाई लोगों, बीच में मिल गया था ट्रैफिक, इसलिए मेरे को अपनी जो वीडियो है वो वहीं पे बंद करनी पड़ी। ट्रैफिक खत्म होने के बाद फिर से हमने वीडियो कर दी स्टार्ट। तो मैं कह रहा था जो अर्टिगा 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन है ये भाई इतना पंची है, इतना सॉलिड है कि ये मेरे को नहीं लगता कि कंपनी को ये बंद करना चाहिए था। मारुति के जो BS6 नॉर्म्स की वजह से जो डीजल इंजन बंद हुआ है, तो मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा मारुति से, प्लीज 1.5 लीटर डीजल इंजन को वापस ले आओ। भाई क्या सॉलिड इंजन है, मतलब गाड़ी चलाने में इतना मजा आ रहा है कि मैं ऑलमोस्ट सुबह से मैं कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला दी है, और भाई थकावट बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही है मेरे को। गाड़ी की जो कम्फर्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ तो भाई गाड़ी ऐसे भाग रही है ना कि मतलब 80-100 तो बहुत बहुत प्यार से चल रही है, मतलब एफर्टलेस ड्राइविंग हो रही है। इस गाड़ी के अंदर जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगी है कि फर्स्ट ये इकोनॉमिकल है, ये ज्यादा महंगी नहीं है एज कम्पेयर टू इनोवा, जो इसी सेगमेंट के जो किंग कह सकते हो वो किंग है इनोवा। उसके अंदर आपको मतलब कम्फर्ट मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, मगर हाँ जिसका बजट उतना नहीं है, हाँ उसके लिए जो अर्टिगा है वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अभी जो है पेट्रोल और सीएनजी के अंदर ही अर्टिगा आती है, इसमें आपको डीजल का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। ये लिमिटेड एडिशन है जो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। मैं अगर आपके स्टेयरिंग की बात करूं तो भाई इसका स्टेयरिंग बहुत स्मूथ है। मारुति गाड़ी मैं भी ओन करता हूं, मैं भी वही चला रहा हूं, मगर सिलारियो का, स्विफ्ट डिजायर का जो इनका जो स्टेयरिंग है ना वो इतना बढ़िया नहीं है एज कम्पेयर टू दी अर्टिगा। बड़ी गाड़ी होने के बाद भी इसमें जो आपको जो ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग प्लेजर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, और मैं बोलूंगा वन ऑफ द रीजन जो ड्राइविंग प्लेजर एक्सपीरियंस अच्छा आ रहा है वो इसका स्टेयरिंग के कंफर्ट की वजह से आ रहा है कि भाई ये आपको इतना एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे हैं लेफ्ट में या राइट में टर्न करनी है। जैसे कि अभी मैं इसको राइट में टर्न करने वाला हूं, मतलब मजा ही आ गया भाई, मजा आ रहा है। इसका टर्निंग रेडियस जो है वो भी बहुत सही है। बड़ी गाड़ी होने के बाद भी आपको ऐसा लगता नहीं है कि भाई हाँ बड़ी गाड़ी है कैसे चलाया जाएगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत प्यार से अर्टिगा को चला सकते हो। हाँ जो सीएनजी वेरिएंट है उसके अंदर थोड़ी बहुत जो है मुझसे कि पावर की कमी है, मगर जो 1.5 लीटर डीजल इंजन आता था उसके अंदर पावर की आपको बिल्कुल भी कमी नहीं मिलने वाली। मारुति कंपनी के जो करण अर्जुन थे वो थे 1.2 लीटर का डीजल इंजन और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन, दोनों ही करण अर्जुन जा चुके हैं। अब करण अर्जुन को वापस आने के लिए ना जाने हमको कितना टाइम देखना पड़ेगा, हो सकता है आए भी, हो सकता है ना भी आए, मगर मैं यही बोलूंगा कि अगर करण अर्जुन वापस आ गए तो मारुति की सेल जो है फिर से ऊपर बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने गाड़ी के अंदर इंजन बहुत ज्यादा सॉलिड दे दिया है तो भाई गाड़ी की एवरेज नहीं आ रही है या एवरेज में मतलब बहुत कम हो रखी है। भाई मैं अभी रफ चला रहा हूँ गाड़ी, थोड़ी बहुत मैंने पूरे सुबह से जो 500 किलोमीटर के आसपास मैंने गाड़ी चलाई थी
उसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मैं सिर्फ 80 स्पीड में मेंटेन कर रखा है, नहीं मैंने इसको 100 पे भी लेकर गया था, 120 तक, 140 तक भी लेकर गया था। और भाई 140 तक ये गाड़ी इतने प्यार से गई है ना, मतलब मजा ही आ गया गाड़ी चलाने में। इंजन बढ़िया है, उसके साथ साथ जो एवरेज है गाड़ी की वो भी बहुत बढ़िया मिल रही है। भाई मारुति की गाड़ी है, एवरेज अगर नहीं मिलेगी तो दिक्कत है। मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा कि मारुति की गाड़ी 1.5 लीटर डीजल इंजन इतना बढ़िया हो सकता है चलने में भी। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, जल्द ही मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नई गाड़ी या नई बाइक की इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।